मेरा नाम आसिम ज़फ़र है। मैं के इलेक्ट्रिक कोरंगी पावर कॉम्प्लेक्स के अंदर एज अ डिप्टी मैनेजर मैकेनिकल मेंटेनेंस काम कर रहा हूँ। ये जो हमने ट्रेनिंग अटेंड करी है, इसका टॉपिक था बेयरिंग डैमेज एनालिसिस, जो कि हमें खुर्रम शहजाद साहब ने करवाई है। ये ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव थी, इस सेंस में कि इसमें हमने बहुत सारे ऐसे टॉपिक कवर करे और ऐसी बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस को हमने देखा कि जो कि हम इंडस्ट्रीज़ में कवर नहीं करते। जिसमें से जो बहुत सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त टॉपिक मुझे लगा वो ये लगा कि इसमें फिट्स एंड टॉलरेंसेस हम किस तरीके से निकालते हैं। तो इस ट्रेनिंग को अटेंड करने के बाद एटलीस्ट मैं अपने आप को ये कह सकता हूँ कि मैं अपने डाउन द लाइन स्टाफ को ये ट्रेनिंग इम्पार्ट करूँगा कि प्रॉपर शाफ्ट का और हाउसिंग का बेयरिंग्स के साथ फिट और टॉलरेंस किस तरीके से हम उसको मेंटेन कर सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि हम अपने जो है वो बेयरिंग के जो फेलियर्स हैं उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमने एक और चीज़ इसमें देखी कि प्रॉपर जो ISO का हमारे पास जो सर्टिफिकेशन है या स्टैंडर्ड है, उसमें क्या क्या फेलियर मोड्स हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं होगा कि बेयरिंग हमें क्या कह रहा है। जो इन्होंने हमें बात बताई उसमें उन्होंने इतना आसान तरीके से बता दिया गया कि हम विजुअली बेयरिंग हमें खुद बता रहा होता है कि मेरे साथ क्या हुआ है। तो इस चीज़ से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा इस तरीके से हासिल होगा कि हम अपने जो है ना फ्यूचर जो हमारे जो मज़ीद फेलियर्स होंगे उसको हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं, और इस तरीके से ये ट्रेनिंग हमारे लिए बहुत फ्रूटफुल रही है। थैंक यू।